श्री राम की पूजन के बाद ये हम रावण का भी पूरा विधि पूर्व पूजन करते हैं और अग्निदाह देते हैं, उनको अग्नि दाह दी जाती है। ये क्योंकि बड़े विद्वान थे, ये चार वेदों के ज्ञाता थे, असुर जाति के वंशज थे। बकरा लाते हैं और उसके उसको उसके कान में थोड़ा पंचर करके पिन मार के कट मार के दो चार ब्लड की उसके ड्रॉप हम इनके चरणों में लगाते हैं। हमारे पूरा हमारा परिवार है, हम लोग यानी कि हम पटियाला से हैं, कोई भोपाल में है, कोई पठानकोट से है, कोई बठिंडा। हम लोग कोशिश करते हैं सर यहाँ पे 10-15 रोज के लिए सब अपने अपना जॉब वाले भी छुट्टियाँ लेकर यहाँ आते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से एक दिन दशहरे के बाद रात को रावण के पुतले उसको ट्रैक्टर से रस्से से इसको गिराया सर, उसका ऊपर का हिस्सा उसको डैमेज हुआ। तो उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि सर लोगों की आस्था थी इस गांव के पूरे काफ़ी यहाँ पे हड़ताल होगी, बंद हो गया, सबका हाहाकार होगी सर। उनके अंगेज कोई कंप्लेन नहीं किया, पर वो वॉलंटियरली यहाँ आए, माफ़ी मांगी, सिर्फ माथा सीढ़ियों पे पटक पटक के उसने अपनी आत्मा की ज्योति गवाई सर। उनकी परिवार में ऐसे अनवांटेड ऐसी दुर्घटनाएं हुई, यंग बेटे उसके दो चले गए, तो वो इसी शौक में यहाँ ये उसने अपनी आँखों की ज्योति भी गवाई सर। जिथे के पूरे देश भर के विच दशहरे वाले दिन रावण के पुतले फूके जाते हैं, उत्थे ही असी तुहानू लुधियाणा जिले के शहर पैल दे विच लै चलदे हां जिथे कि रावण की पूजा की जाती है। और तुसी उत्थे दीआं तस्वीरां भी असी तुहानू दिखाने हां। अज सवेर का टाइम है, जिहड़े लोगों का रावण नूं मत्था टेकण आने शुरू हो चुके ने, तुसी देख सकते हो जिहड़ा रावण की मूर्ति इत्थे बनी हुई है, पक्की मूर्ति बनी है, जो कि 1835 तों करीब जिहड़ी इह मूर्ति बनी है। तो इत्थे राम मंदिर भी बनिया है जो कि 1835 तों बनिया है। उत्थे एक परिवार जो कि 8 पीढ़ियां तों लैके हुण तक इत्थे हर साल इत्थे आउंदा है, कनेडा अमेरिका ते उन्हां दा परिवार आस्ट्रेलिया तक बसे हुए ने, सारा परिवार इत्थे हर साल उरे आके मत्था टेकदे ने ते पूजा करवाउंदे ने, 10 दिन इत्थे रहिंदे ने। असीं उस परिवार नाल गलबात करदे हां ते उन्हां तों पुछदे हां भी जिहड़ा ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਬਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿਨੋਦ ਰਾਜ ਦੁੱਬੇ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਟਾਇਰ ਪਰਸਨਲ ਹਾਂ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ, ਇਹ 1835 ਕੇ ਲਗਭਗ ਸੇ ਚਲਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ੇ ਹਮਾਰੀ ਈਵਨ 1857 के गदर में भी नहीं बंद हुई, एमरजेंसी में नहीं बंद हुई। ये जैसा कि प्रथा पूर्वक यहाँ पे जैसे श्री राम की पूजन के बाद ये हम रावण का भी पूरा विधि पूर्व पूजन करते हैं और अग्निदाह देते हैं, उनको अग्नि दाह दी जाती है। ये क्योंकि बड़े विद्वान थे, ये चार वेदों के ज्ञाता थे, असुर जाति के वंशज थे, तो इसलिए सर यहाँ इनकी पूजा भी होती है। और अग्नि देने से पहले हम यहाँ पे इनको उनके मुंह आखनी करते हैं, उनकी अग्नि और डालते हैं जो चीज़ें वो चाहवान थे, मदिरा पान करते हैं, थोड़ी मदरा भी यहाँ पे इनके चारों तरफ दी जाती है। और वो एक बकरे का अभी पहले वो बलि कैसी हमने नहीं दे, हमारे बुजुर्गों के टाइम में चलती थी फिजिकली, जैसे माता भाई साहब ने माँ मैया काली की जहाँ ऐसी। तो आजकल हम सर केवल एक बकरा लाते हैं और उसके कान में थोड़ा पंचर करके पिन मार के कट मार के दो चार ब्लड की उसके ड्रॉप्स हम इनके चरणों में लगाते हैं और मदिरा छिनक दी जाती है। और उसके बाद पंडित जी से टाइम निकलवा के जो पूरा टाइम इनका कैलकुलेटिव होता है उस समय इनकी अग्नि इनको दे दी जाती है। दुबे साहब जिहड़ा ये तुहाडा किहड़े टाइम तो तुसीं इस जिहड़ी आ रावण की पूजा कर रहे हो ते इत्थे किन्ने टाइम तो जिहड़ी मूर्ति तुहाडे परिवार वल्लों बनाई गई है? ये लगभग सर जैसे 35 के करीब ये मंदिर हमारा बना, तो लगभग उसी के 2-4 साल बाद ये इसकी भी स्थापना हुई है। और तब से ये सर ये प्रथा चलती आ रही है।
हमारे पूरा हमारा परिवार है, हम लोग यानी कि हम पटियाला से हैं, कोई भोपाल में है, कोई पठानकोट से हैं, कोई बठिंडा से, हम लोग कोशिश करते हैं सर यहाँ पे 10-15 रोज़ के लिए सब अपने अपना जॉब वाले भी छुट्टियाँ लेकर यहाँ आते हैं और ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और कोई ऐसा हम पब्लिक फंड नहीं लेते हैं, अपने पारिवारिक हमारा है ये, पर्सनल परिवार का ये हमारे बुज़ुर्गों की धरोहर है, हम इसका सर एक्सपेंडिचर खुद बियर करते हैं और इसका मंदिर का मेंटेनेंस करते आ रहे हैं, और पूरा विधि पूर्वक पहले नराते को आके हमारे भाई हैं और हम लोग बाहर होते हैं तो भी हमारा एक बेटा है जी अनुराग दुबे, ही इज़ ए हाई कोर्ट लॉयर, इज ए फेमस, तो वो बहुत डिवोटी है, बहुत टाइम वो आके अपने यहाँ आते हैं और ये देते हैं। दुबे साहब ये जिहड़ा रीत कद तो शुरू हुई सी जी 1835 तो तुसी दस रहे हो, तो वो किमें शुरू हुई थी, की सीगा दा पूरा परिवार दा जिहड़ा सीगा तुहाडी जी सर? ऐसा है कि हमारे बुजुर्ग थे जी यहाँ पे, और सुनने में आया कि हकीम उनका पेशा था और महाराजा के शाही हकीम भी थे सर, उनके औलाद नहीं थी तो वंशज की चाहना में वो बेचारे भटकते हुए हरिद्वार की तरफ गए, वहाँ अंजनी वन की तरफ भी शायद गए, वो वहाँ एक संत ऐसे कोई महापुरुष मिले उनको, उनको उन्होंने अपनी ये परेशानी बताई, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, कोई फल दिया उनको और बोला कि आपकी औलाद होगी और औलाद के बाद आप उनको प्रभु राम के चरणों में लाइएगा, उनका उनको उसकी उसका नाम लो, प्रभु राम का उसके गुण गाओ, उसकी लीला खेलो। तो भगवान की कृपा ऐसी हुई सर कि उनके एक एक चार बच्चे चार बेटे हुए सर, और तब से उन्होंने छोटे बचपन से ही उनको ये राम खेलना शुरू करवा दिया और मंदिर की उसारी कराई, और बड़ा यानी पे और ये शहर में पूरा एक एग्जांपल था सर, इतना अब भी यहाँ पे पूरा मंदिर ये मेला भरता है, तब से ये सर ये प्रथा हम उनकी निभाते आ रहे हैं, हमारी कुछ 7वीं या 8वीं ये स्टेप है सर, और हम लोग जहाँ भी हैं, अगर बाहर भी हैं, जहाँ कहीं काम में हैं, सब लोग अपने अपने गृहस्थियों में अपने अपने बिजनेस में बस, पर यहाँ के लिए सब टाइम निकालते हैं। बिल्कुल दुबे साहब, जो पता लग्या भी जिहड़ा ये रावण की मूर्ति नूं भी किसी ने ढाउण की कोशिश की थी, तो उस तो बाद की होया सीगा? जी सर, हर जगह हर एलिमेंट ऐसे भी एलिमेंट होते हैं, उनकी धारणा अलग थी, उनके विचार अलग थे, उनको ये लगता था कि ये हमारे ये पायल की डेवलपमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि रावण यहाँ पे एज इट इज़ रहते हैं, बाकी हर जगह पुतले डिमोलिश कर दिए जाते हैं। तो सर उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से एक दिन दशहरे के बाद रात को रावण के पुतले उसको ट्रैक्टर से रस्से से इसको गिराया सर, उसका ऊपर का हिस्सा उसको डैमेज हुआ, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये हुआ कि सर लोगों की आस्था थी इस गांव के पूरे काफ़ी यहाँ पे हड़ताल होगी, बंद हो गया, सबका हाहाकार हो गई सर। तो इन द मीन टाइम सर हायर अथॉरिटी के पास भी गया ये मैटर, उन्होंने इमीडिएट एक्शन लिया, उस समय इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी और ज्ञानी जैल सिंह जी शायद चीफ मिनिस्टर, इमीडिएट उन्होंने एक्शन इस बात का लिया हमारी आस्था को देखते हुए, विद इन नाइट उन्होंने, और देखिए कल्प्रिट थे, हमने कोई उनके अंगेंस्ट कोई कंप्लेंट नहीं किया, पर वो वॉलंटियरली यहाँ आए, माफ़ी मांगी, सिर माथा सीढ़ियों पे पटक पटक के उसने अपनी आँखों की ज्योति गवाई सर, उनकी परिवार में ऐसे अनवांटेड ऐसी दुर्घटनाएं हुई, यंग बेटे उसके दो चले गए, वो इसी शौक में यहाँ ये उसने अपनी आँखों की ज्योति भी गवाई सर, इसके पर इसका प्रयास करता हुआ, इसकी माफ़ी मांगते हुए, पर चलो प्रभु लीला है सर, देखिए हमारी आस्था है, हम उनकी लीला को निभा रहे हैं, प्रभु राम है, सबका राम है वो है जी। वो तो जी उत्थे ही साढ़े नाल उन्होंने परिवार तो बाद होर भी ने इतने जेडे कि विजिलेंस के बचों रिटायर्ड भी हुए हैं, तो उन्होंने भी असं गलबात करते हैं, तो उन्होंने भी जानते हैं जेडे इतने उरे आके पूजा करते हैं रावण की, की हैगा जी जो रावण की तुम पूजा करते हो, तो तुहाडा परिवार किन्ने टाइम तो इतने आ रहा है? साडा परिवार तो जी 1835 साडे हकीम बिलवा जी ने मंदिर बनवाया, साडे बुजुर्गों उन्होंने अगे चार बेटे, तो साडे हुण 7वीं पीढ़ी है जी, 8वीं साडे अगे बच्चे ने, तो असी लगातार असी दशहरे के नराते के पहले नराते तो पहले ही पहुँच जाने, सारा परिवार आ जाता जी। तो इतनी जी कि दिन थोड़ी ये पूजा चलती रहती है, तो उदो बाद जो रावण का जिवें कि हर थौं पुतले फूके जाते हैं, इतने तुम पूजा करते हो, किमें की जाता की है जी? असी 10 दिन पूरी रामलीला खेलते हैं,
राम मंदिर का नाम ले लिया, राम जी का नाम लिया, राम दशहरे वाले दिन राम जी तो बाद उस तो बाद उन्होंने असी इधर कर दें, रावण की दहन करते हैं। जो भी है ब्राह्मण आदमी से ब्राह्मण ऋषि मुनि जी ठीक है, उन्होंने पालन पोषण राक्षस घर च होया, बुराई का प्रतीक है, असी उन्होंने थोड़ा बहुत अग्नि भी दें। और जी पूजा करते हो इन्हों की जो समान वरत पूजा कर दें, जो इन्हों समान दें भोग लगाने की होंगे? एक तो सोमरस होंगे जी, हाँ एक पुराने बजुर्ग कहते होंगे कि बली देंगे बकरे की, असी व्रता बंद करके सिर बकरा तो थोड़ा बहुत कानी पिंच करते हैं, थोड़ा जहा कट मार के बस ब्लड जहा ला के वापस कर दें बकरे भी, नाल उन्होंने पैसे दे दें, नाल असी प्रसाद वंडने मत्था टेक के असी अपना समान। मेरा नाम बिक्रमजीत है जी, मैं रोपड़ तो उरे लगातार 4-5 साल तो आ रहा जी, तो मैं ये बारे अपने चैनल के माध्यम के नाले सुनया भी उरे अपने रातम जी की रावण जी की प्रतिमा लगी हुई है, तो मैं लगातार रोपड़ तो 4 साल तो 5 साल तो उरे आके मत्था टेकन आ रहा, तो मैं सुनया था जी भी इतने जो भी उरे ये बारे जो मैं न्यूज़ के भी सुने वे ये लग्या भी उरे अपना भी बकरे के खून का छिट्टा तो उरे अपना जोड़ा है लोग प्रसाद चढ़ा के जाने, तो फिर मैं उस चीज़ को मैं ना खाना तो ना मैं उस चीज़ को दूर समझा, तो मैं उरे अपना ही हरेक बारी ब्लड का जोड़ा है तिलक ला के जाना आगे लगातार 4 साल हो गए। मत्था टेकन तो बाद कोई जानू जो 4 साल तो आ रहे हो की लगता जो ब्लड देने? मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ जी, मेरा कोई काम किसी पास रुकता ही नहीं है, किसी भी पास तो नहीं रुकता है, मैं दो चीज़ों मानता माता राणी को मानता है तो इन्हों मानता है, उत्थे मैं नंडौत करके आना हरेक नरात्या के बच्चे, उरे मैं आके ब्लड देकर जाना, तो अज तक मैंने नहीं लगता है भी मेरा कोई काम रुकया हो, मैं एक महापंडित के नाते जो है इन्हों की पूजा करता है। अज के दिन सारे कित रावण जलाया जाता है, इतने पूजा की जाती है सर? मेरे हिसाब से यह गलत आ, क्योंकि जो भी कोई जो उस चीज़ के बारे से ज़्यादा तो मैं नहीं पता है, उस टाइम के अगर मैं कह तो लक्ष्मण जी ने भी राम जी ने यह कहा भी उन्होंने को तो ज्ञान लो जाके बैठ के एक ज्ञानी बंदे ने, मैं उस चीज़ के उन्होंने प्रतीक करता, बाकी जो है जो जिहड़ा करता जिंदी जिदा श्रद्धा हैगी उदा करता, पर मैं बहुत ज़्यादा इस खुशी आ, तो मेरा सारा साल ही बहुत ज़्यादा वधिया निकलता है, जिन्ना तुम वह कह दो, मेरा कदे किसी चीज़ के भी कोई काम च रुकावट नहीं आई यार, मैंने कदे कोई वो नहीं होगा, मेरे घर भी फोटो लगी हुई है, ईवन के किसी के होर की घर की घर मेरे किसी कोई किसी की फोटो नहीं है, सिर्फ एक रावण जी की हुई है बकायदा, मैं अपना जयपुर तो बनवाई सी, तो मेरा कोई कदे कोई वो नहीं होया है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ जी, लगातार जब तक साह चलते हैं मैं लगातार आऊँगा। पूरी फैमिली भी आती है जी, यार दोस्त भी आने जी, कदे नहीं सोचा है मैं तो आना ही आना भी मेरे नाल कौन आ रहा है, पर मैं तो आना ही हाँ। ब्लड दिता है किदां तुसीं ये दिता है, चीरा दिता है, किदां दिता है, कि ये जी मैं तो जो थोड़ा दसिया ही है दस चुके हैं भी उरे मैं उदे सुनिया भी उरे देख चढ़ता है थोड़े अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम के नाल ही, तो मैं अपना लगातार उरे 4 साल मैं अपना तिलक करके जाना, तो इन्हें पूछ के जाना कि एक महान देवता से महान पंडित से, तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी है जी उरे आने के नाल, मैं लगातार आता रहूँगा। असी अज तुहानू जिहड़ा इत्थे दिखाया जिहड़ा कि पैल हल्के दे विच रावण की पूजा की जाती है, जिसनों एक जिहड़ा प्रसाद के तौर पर शराब का भोग लगाया जाता है रावण नू, ते उत्थे ही जिहड़ा हैगा वह जिहड़ा एक बकरे के कन्न के विचों खून दे के उसका भोग भी लगाया जाता है, क्योंकि इन्हां दा कहना है कि साडा परिवार 8वीं पीढ़ी जिहड़ी चल रही है 1835 तो यह परिवार जिहड़ा कि रावण की पूजा करता है, तो ये उन्हां दा कहना कि जब तक असी ना पूजा करिए तो साडे घरां दे विच भी कोई ना कोई नुकसान हो जाता, इस करके साडियां जिहड़ियां फैमिलियां ने वह इत्थे आउंदियां ने ते मत्था टेक के दसदे ने, उरे पूरा पूजा करदे ने, उस तों बाद ही रावण दा राज जो टाइम दे मुताबक ध्यान किया जाता है। सपैल तो बिपन भारद्वाज, जगबाणी टीवी।